नमस्कार दोस्तों, नेपाल से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 18 लोगों की इसमें जान ऑलरेडी जा चुकी है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये एक्चुअल में नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू वहाँ पर ये सूर्या एयरलाइंस एयरक्राफ्ट थी जो कि टेक ऑफ करते टाइम उसका वो प्लेन क्रैश हो गया। उसकी वीडियो बहुत तेज़ी से ट्विटर पर आपने भी शायद देखी होगी और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लगाई है ट्विटर पर बहुत तेज़ी से वीडियोस वायरल हो रही हैं और इसमें कहा जा रहा है कि 18 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। तो नेपाल के काठमांडू में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये जो प्लेन थी सूर्या एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट थी ये टेक ऑफ करके और लैंड ये करने वाली थी पोखरा में, मतलब ये एयरक्राफ्ट जो है वो पोखरा जा रही थी और इसमें टोटल 19 लोग सवार थे इस एयरक्राफ्ट में। अब पोखरा के बारे में आपने सुना होगा, नेपाल की मोस्ट ऑफ द सिटीज में से सबसे फेमस अगर सिटीज में लोगे आप तो पोखरा उसमें से एक आ जाती है। काफ़ी बड़ा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं, हर जगह से देश दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। पोखरा बेसिकली एक पौंड है और उसके अराउंड पूरी एक पूरा शहर बसा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा शहर है वहाँ पर। उसके आगे फिर सरायनकोट और वगैरह वगैरह तमाम जगह उसके आगे भी हैं। तो पोखरा काफ़ी फेमस है और वहीं पर ये फ्लाइट जा रही थी। हालांकि ये जो है ये एयरप्लेन जो है ये डोमेस्टिक एयरप्लेन थी, इंटरनेशनल कोई फ्लाइट नहीं थी और ये काठमांडू से जा रही थी पोखरा की तरफ में। तो वहीं पर टेक ऑफ करते टाइम ये एग्जैक्ट जो एक्सीडेंट है वो हुआ जिसमें 18 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। अब अगर स्पेसिफिक रीजंस पर पूछा जाए कि स्पेसिफिक रीजंस क्या थे इस पूरे प्लेन क्रैश के, तो स्पेसिफिक रीजंस अभी तक सामने नहीं है। अलग अलग लोगों ने रीजंस बताए हैं। कुछ लोग रीजंस ये बता रहे हैं कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है, टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था प्लेन के अंदर तो कुछ खराबी हो सकती है तकनीकी और उसके वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया होगा। लेकिन ये तो जांच का विषय है, अब प्लेन क्रैश हुआ है जांच होगी उसके बाद आपको स्पेसिफिक रीज़न पता चल पाएगा। दूसरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई कि हो सकता है जो सुभाष झा जो कि पूरे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन है, जो कि सबसे नोन पर्सन है जो कि इस बारे में सही जानकारी दे सकते हैं आपको, उन्होंने बताया कि जो पोखरा बाउंड फ्लाइट थी इसमें टेक ऑफ करते टाइम जो है इनके टायर्स जो है प्लेन के वो स्किड कर गए और उस स्किड करने की वजह से वो प्रथम दृश्य वो मेन प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके वजह से प्लेन क्रैश आगे चल करके हुआ होगा। लेकिन हालांकि ये सारी कुछ चीज़ें जो है ये अभी तक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हैं, अभी इसके आगे की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आना बाकी हैं। इसमें 18 लोग जो मौजूद थे उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया, जो मलबा है उसमें से बॉडीज़ निकाल ली गई हैं। लेकिन जो इस पर कैप्टन मौजूद थे जिनका नाम था एम आर शाख्य इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई है। उनको तुरंत ही सही मौके पर वहाँ पर फोर्सेस पहुँच करके उनको निकाल करके और उनको तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है, तो उनकी जान इसमें बचा ली गई है। तो एम आर शाख्य बिल्कुल ठीक है और 18 लोग जो बाकी के थे उन सबकी इसमें डेथ हो चुकी है। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है ये। अब अगर सूर्या एयरलाइंस की आप बात करोगे तो बेसिकली ये एक डोमेस्टिक कैरियर कंपनी है नेपाल की और क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली भी रहती है इसलिए नेपाल के जो लोग होते हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट से ज़्यादा सूर्या को प्रेफर करना पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ पर कॉस्ट फ्रेंडली होता है, जल्दी आप पहुँच जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इसलिए और सूर्या एयरलाइंस के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट हैं मौजूद और वो तीनों जो हैं वो बॉम्बार्डियर CRJ-200 एयरक्राफ्ट उनके पास मौजूद हैं और इसी बॉम्बार्डियर CRJ-200 एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है। इन एयरक्राफ्ट्स की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम कैप छोटी एयरक्राफ्ट्स हैं ये डोमेस्टिक कैरियर्स हैं तो उनकी 50 पैसेंजर्स की ही कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी इनकी नहीं होती है। तो इसमें 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी लेकिन 19 लोग इसमें मौजूद थे, 19 में से 18 लोगों की इस वाले प्लेन क्रैश में नेपाल के काठमांडू में डेथ हो चुकी है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एग्जैक्टली ये एक्सीडेंट हुआ है और इस पूरे एक्सीडेंट का जो वीडियो है जो स्टार्टिंग वीडियोस ट्विटर पर आ रही हैं सामने, मैंने इस वीडियो के आगे लगाए होंगे, आपने देखा होगा कि कितना ख़राब दृश्य वो सामने आ रहा है और तरफ हर जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही हैं क्रैश के बारे में। कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग टेक्निकल ग्लिच की बात कर रहे हैं, कुछ लोग टायर स्किड करके ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सीडेंट हो गया उसकी बात भी कर रहे हैं। तो अब किसकी बात इसमें सही है वो तो आपको प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के बाद जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें आपको पता चल लग पाएगा कि किसकी बात सही है।
तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ये नेपाल का पूरा जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 18 लोगों की जाने जा चुकी हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अन अकेडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अन अकेडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। मतलब कि जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो रहे थे, अन अकेडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके, और ये प्राइस ड्रॉप जो है वो ऑन पॉपुलर स्टूडेंट्स डिमांड किया गया है। जो हमारा यूपीएससी समिट हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी प्राइस ड्रॉप के लिए, तो उसमें उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को मान करके हमने प्राइस ड्रॉप करके उसको 23,999 कर दिया है। मतलब इस डिस्काउंटेड प्राइस में आप यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस बैच में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, प्लस उसके साथ साथ में आप मेंस के जितने आंसर्स लिखोगे कंप्लीट इवैल्यूएशन उन सारे मेंस के आंसर्स का इसमें किया जाएगा। उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर लेक्चर्स के साथ साथ पीपीटी भी मौजूद होगी। 1-to-1 मेंटोरशिप मैंने आपको बता ही दिया, डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी यहाँ पर आपके लिए मौजूद होंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपका जीएस CSAT और टेस्ट सीरीज सारा कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच है। और ये ऑफर जो है 23,999 का, ये सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, तो आप इन 3 दिनों में इस ऑफर को ले सकते हैं इस कोर्स को, अदरवाइज ये प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा, तो आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।